मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा का आज इंद्री में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। शहीद उद्यम सिंह चौक पर इस यात्रा का स्वागत करने के लिए सैकड़ों की संख्या में भाजपा समर्थक पुरुष व महिलाएं बड़े उत्साह के साथ मौजूद रहे। जन आशीर्वाद यात्रा के चौक पर पहुंचने पर मंत्री करण देव कांबोज ने मुख्यमंत्री का अपने हलके में आने पर स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मंत्री करण देव कांबोज ने मुझे बताया है कि इंद्री हलके में लगभग 1300 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए गए हैं। उन्होंने लोगों से इन विकास कार्यों को बोल बोल कर पूछा कि ये काम हो गए हैं या नहीं। लोगों ने हाथ उठाकर इस बात का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों ने 5 साल पहले जो मुझे काम करने का लाइसेंस दिया था उसे रिन्यू का समय आ गया है। रिन्यूअल करने का फैसला आपके हाथ में है। इस पर लोगों ने हाथ उठाकर पूरी तरह से समर्थन देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि हमने पंचायतों में इतना पैसा विकास के लिए दिया है कि लोग हमसे पूछने लगे कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह पैसा आपका ही है और आपने सरकार को दिया और अब हम आपको विकास के काम के लिए वापस दे रहे हैं। पहले की सरकारों में भाई भतीजावाद रिश्वतखोरी होती थी जो कि अब की सरकार में नहीं है। अब तो बिना खर्ची और पर्ची के नौकरियां दी जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिस घर में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होगी उसको प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। प्रदेश में हजारों की संख्या में नए BPL के कार्ड बनाए गए हैं जो कि आगे भी बनते रहेंगे। जिस किसी की भी आमदनी 15,000 रुपए से कम होगी उसका BPL कार्ड बनवाया जाएगा। सब उन्होंने क्यों नहीं दिया? मैंने कहा भाई सब उनकी जेब बहुत बड़ी बड़ी थी, सारा अस्पताल के वो कहावत है ना, वो कहावत है कि बांटते रेवड़िया, बांटते रेवड़िया फिर अपने घरों को दे कौन कौन ये आप कह रहे ना। इसलिए उनको तो सिर्फ मेरा घर कैसे भरे, मेरे बेटे बेटियां पोते पोतियां नाते नातियां उनके दोते उनके आगे भतीजे भाई जिजे साले कहीं तक के रिश्तेदार उनके पास आ जाते थे कि इसका घर भरो। वो अपने इस प्रकार के परिवार का घर भरने में लगे हुए थे। परिवार का घर तो हम भी भरने के लिए तैयार हैं लेकिन अंतर क्या है कि हमारा परिवार ये हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की तरफ है। तो विपक्ष के लोगों ने, कुछ मीडिया के लोगों ने, कुछ नए नए अनुमान लोगों ने, राजनीति के कुछ पंडित वो क्या कहते हैं, ये जो लोग आए हैं कभी सेवा कर रहे थे आज भी सेवा कर रहे हैं, अगर फर्क तो उनकी नजर में आया, उनका नजरिया बदला और नजरिया बदलने का भी कारण है क्योंकि जैसे राजपथ हमने चलाया इस प्रकार तक तो कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हम उठा करके नौकरियां जो हैं वो कह देंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को इम्तिहान ले लो, इंटरव्यू लेना नहीं और मेरिट के हिसाब से कंप्यूटर में जो पहले आया उसको नौकरी ले लो। कभी सोच सकते थे? नहीं सोचते। वो तो कहते पर्चियाँ लाओ, MLA की लाओ, मिनिस्ट्री की लाओ, पार्टी का भी लाओ या जो दलाल है कोई भी दलाल, जो दलाल है वो पैसे लेकर के दलाली पर्चियों की करते हैं। हमने आते ही साफ सिस्टम बन गया। हमने जो पास्टर है वो भी सीनियोरिटी के हिसाब से जो पहले नंबर आएगा उसका आएगा, दूसरा तो दूसरा, अगर पहले वाला टायर होगा तो दूसरे वाला पहला हो जाएगा। एक एक साल में सीनियर तो सब होते जाएंगे, नए आने वाले बाद में हो जाएंगे, 20 साल बाद वो भी सीनियर हो जाएंगे। तो भाई से न्याय किया जाए, अन्याय के खत्म किया जाए तो सब खुश होते हैं। हमारा सिद्धांत है नो डिस्क्रिमिनेशन, हर किसी से भेदभाव नहीं, नो फेवरेटिज्म, किसी की हमारी हमदर्दी नहीं कि इसको पहले करो, न्याय न्याय न्याय। हाँ हमदर्दी अगर है, हमदर्दी अगर है तो जो समाज में पिछड़ गया गरीब है जो भी मुख्य धारा में नहीं आया भाई उसके लिए नौकरी, कोई 2,57,000 से पहले ही कमा रहा है उसको एक नौकरी अगर बाद में कोई तो बात नहीं, पहले किसको मिले जिसके पास नहीं है, किसी घर में एक तो हमारे सोचने का दृष्टिकोण है। हम बहुत आगे नए नए काम भी बता रहे हैं, कर रहे हैं,
हर रोज प्रभु नई बात हम कर रहे हैं। परसों मैंने घोषणा की थी कि हम अगली बार मानव संपदा मंत्रालय बनाएंगे, बहुत बड़ा काम होगा ये, कितने भी पता लगे कि आप कल बीते कल 11 साल के बाद हमने जो लोग बीपीएल के कार्ड जिनके नहीं बने थे उनके 56,000 कार्ड कल हमने बांटे हैं और उसको बजट से खुल दिया कि अब आपके बंद नहीं होंगे। जिसकी बीपीएल की जो उसकी कंडीशन है उस कंडीशन को जो पूरा करता होगा आप भरो सर्वे कराओ और साथ साथ बीपीएल के कार्ड बनाते रहेंगे। आज से सारे कंडीशन पूरी करनी चाहिए, जो ठीक ठाक कमाता खाता है उसको बीपीएल का कार्ड नहीं बनवाना चाहिए। अगर कोई अच्छा खाता पीता घर का आदमी अगर बीपीएल का कार्ड बनवाएगा तो वो पाप करेगा और वो अन्याय किसके साथ होगा, जो गरीब आदमी है। गरीब का लेकर के हम खाएंगे, गरीब का नहीं लेना है। प्रधानमंत्री जी ने एक बार गैस सिलेंडर के बारे में कहा था, एक गिव अप स्कीम चलाई थी कि जिनको गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं चाहिए वो छोड़ दो। आपकी जानकारी के लिए देश भर में 1 करोड़ लोग ऐसे थे जिनको कहा ये 700 रुपया महीना गरीब को जाए, हमको नहीं लेना, 500 रुपया महीना सब्सिडी मिलती है, 500 महीना में छोड़ दो गरीब को घर में जाएगा। तो हम भी ये 500-700 रुपए महीने का लालच का छोड़ करने के बजाय जिसके घर में जरूरत है उसकी घर गरीबी से अपना गुजारा भी मुश्किल से कर रहा है, बीपीएल उसको जाना चाहिए जो अच्छा खाता पीता किसान है, अच्छा खाता पीता नौकरी करने वाला दुकानदार सब वो सबको, और कंडीशन में रखिए कि ईमानदारी से 15,000 महीने से जिसकी इनकम ऊपर है वो कोई बीपीएल मत बनाओ, जिसकी आमदन 15,000 रुपए महीने से नीचे है बीपीएल के अधिकारी सब है। ठीक है, ठीक बात है, 15,000 कोई कमरा कम तो नहीं, 15,000 से ऊपर वाले मत बनवाओ, चाहे दुकानदार हो चाहे कर्मचारी हो चाहे किसान हो चाहे कोई भी आदमी हो, इससे नीचे मजदूर है, छोटी दुकानदारी है, छोटा किसान है, रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है या बेरोजगार है, वो सब लोग बीपीएल का कार्ड बनवाए। ठीक है, बातें मेरे पास करने के लिए बहुत है। अंत में इतनी ही बात कि अब हमारा 5 साल का जो सेवा का लाइसेंस जो आपने दिया था वो 2 महीने में एक्सपायर हो रहा है। इस लाइसेंस का रिन्यूअल का अधिकार जनता के पास है, इसलिए जनता से आशीर्वाद ले रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।